हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ में और नई अपडेट के साथ में BIIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। दोस्तों, हम जानते हैं कि 10% और 27% OBC का मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, और जो कि बाहर कर दिए गए हैं MPTET शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में, और इसका कारण रहा है कि उनका क्वालिफाइंग ना होना। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री के संज्ञान में एक बात और बताई है कि भाई, जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, वहाँ पर उनकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह OBC के साथ में ही दी गई है, उसके बराबर ही दी गई है, तो हमें क्यों नहीं। और दोस्तों, उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य इसमें प्रस्तुत किए हैं और ये आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं उसका एनालिसिस करके बताऊंगा, और साथ में SSC में किस प्रकार से आरक्षण जो OBC के बराबर दिया गया है उसकी भी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ में। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ BIIIC में। तो आइए दोस्तों, अधिक बात ना करते हुए हम पहले उसके बारे में चर्चा कर लें कि आखिर इसका मामला क्या है और क्यों चाहते हैं EWS कैंडिडेट कि उनका जो क्वालिफाइंग दायरा 60% से घटा करके OBC के बराबर किया जाए। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी कटिंग देख पा रहे हैं, इसमें है दोस्तों कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण के नाम पर किया जा रहा दोहरा व्यवहार। इसके जो मेन हेडिंग है वो है कि सवर्ण आरक्षण में 60% पासिंग मार्क्स की बाध्यता से सीटें खाली। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं कि क्या है मामला। इसमें है दोस्तों कि सवर्ण गरीबों को लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने भले ही आरक्षण की पात्रता दे दी हो, लेकिन मनमाने नियम थोप दिए जाने से गरीब सवर्ण अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षकों के लिए की जा रही भर्ती में 10% आरक्षण तो लागू किया गया, लेकिन उसमें पात्रता परीक्षा में 60% 60% पासिंग मार्क्स अनिवार्य किए हैं, जबकि इसी भर्ती में अन्य आरक्षित वर्ग के लिए ये पासिंग मार्क्स 50% है। और दोस्तों, आगे है इसमें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लास एवं EWS चारों वर्गों को तो वर्टिकल आरक्षण दिया गया है, लेकिन तीन वर्गों SC ST और OBC वर्ग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 75 रखा गया है, यानी कि 50%, और EWS वर्ग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 90 यानी कि 60% रखा गया है। इसके कारण चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इस उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में गणित शिक्षण के कुल 1800 पदों में 166 पद 166 पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। इसमें EWS वर्ग से केवल एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। तो दोस्तों, काफी कुछ बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है। और आगे है कि OBC वर्ग के 338 अभ्यर्थी चयनित हुए, दूसरी ओर OBC वर्ग से 338 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसी प्रकार रसायन शास्त्र के यानी केमिस्ट्री के शिक्षक के कुल 700 पदों में से 59 पद EWS के लिए आरक्षित थे, जिसमें सिर्फ 2 अभ्यर्थी ही चयनित हुए। इसी प्रकार भौतिकी शिक्षक के कुल 1001 पदों में से EWS वर्ग से सिर्फ 3 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। और दोस्तों, इसके आगे कहा है कि इसी प्रकार अंग्रेजी, जीव विज्ञान, कॉमर्स विषयों की स्थिति है। तो दोस्तों, जो पदों की संख्या निकल करके आई है और क्वालिफाइंग जो 10,000 से ऊपर पास हुए हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, EWS वर्ग की लगभग सभी सीट खाली पड़ी हैं, जिसमें पिछले दरवाजे से चहेतों को फिट करने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट आरोप भी लगा दिया है। अब दोस्तों, अभ्यर्थी की सुन लेते हैं कि अभ्यर्थी इसके बारे में क्या रखते हैं अपने विचार, वो भी जान लें। देखिए दोस्तों, एक अभ्यर्थी हैं धीरेंद्र गुप्ता, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के। वो कहते हैं कि सरकार ने हमें गरीब मानकर 10% पदों के लिए नौकरी में आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन अफसरों द्वारा जानबूझकर कट ऑफ ज़्यादा लगाने जाने से किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इन्होंने अफसरों पर जानबूझकर कट ऑफ ज़्यादा लगाने का आरोप लगाया है। एक और कैंडिडेट हैं मीनाक्षी त्रिपाठी, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक
तो ये कहते हैं कि हम अपने श्रेणी के उन पदों पर नियुक्ति चाहते हैं जो हमारे लिए ही आरक्षित हैं। EWS वर्ग के लिए बैकलॉग का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी लगभग पूरी सीट खाली है, हमें अयोग्य मानकर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, ऐसा कहना है कैंडिडेट मीनाक्षी त्रिपाठी का। तो दोस्तों कैंडिडेट के भी विचार सुने। अब जो है इसी समस्या को जब शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से अवगत कराया गया तो उन्होंने क्या कहा है, तो वो भी आप देख लें। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, उस समय की स्थिति में भर्ती नियम लागू किए गए हैं, उसके बाद आरक्षण को लेकर कई परिस्थितियां बदली हैं। मैं EWS के मामले को दिखवाता हूं, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो ये परमार जी ने ये जवाब दिया है। अब दोस्तों कब दिखवाएंगे और क्या अन्याय और क्या न्याय होगा ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन इन्होंने एक बात और यहाँ पर कही गई है कि जब SSC में OBC के बराबर क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं तो MPTET यानी कि शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में EWS कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। यदि ये क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दिए जाते तो हो सकता था कि ये सीट्स फुल हो जाती। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके ये SSC का आपके सामने एक पूरा प्रोफार्मा है, एडवर्टाइजमेंट है 2019 का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का, और उसमें आप ये देख पा रहे हैं ये 14 नंबर का जो पॉइंट है मोड ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद में यदि हम थोड़ा सा और नीचे चलें इसके, तो दोस्तों 14.3 जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इस पर जो हाईलाइट किया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन TIR 1 ईच पेपर ऑफ TIR 2 एंड 3rd, तो यहाँ पर OBC और EWS दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स 25% दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने EWS को के क्वालिफाइंग मार्क्स को OBC के बराबर कर दिया तो MPTET शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में क्यों नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सीट्स खाली रह गई हैं, और यदि क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते तो निश्चित रूप से EWS कैंडिडेट बाहर नहीं किए जाते और सीट्स भी फुल हो जाती। तो दोस्तों ये समस्या है EWS वालों की। तो अब एक अपील की है उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ सुधार किया जाए। तो आगे दोस्तों इसका क्या होता है, इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी काफ़ी कुछ असंतुष्टता है EWS वालों में। साथ ही साथ आरक्षण के रूल्स जो हैं वो भी हाईकोर्ट में मामला है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो आप लोगों को मैंने शेयर कर दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।